ये देखें जी, यहाँ पे मुन्ना हमारी खिदमत कर रहा, मतलब कि हमारा नाश्ता। मुन्ने वाह, मेरा बहुत दिल कर रहा था, इसके साथ आलूओं वाला सालन नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। और मेरा बीबी, ज़रा आप इसकी आवाज़ बंद कर लें वरना मुझे कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। आपकी मामा बंद करके वीडियो बनाती है ना, तो इस टाइम आपकी आप ही भी वीडियो बनाने लगी और आपने उसका वॉल्यूम फुल कर लिया। असल में आप लोग गेस करें मैं कहाँ पे बैठी हूँ जी। मैं यहाँ पे मेरी जो बड़ी सिस्टर है स्ट्रॉन्ग उज़्मा, जिस तरह से आप कहते हैं कि आपकी बड़ी सिस्टर है, मैं वहाँ पे आ चुकी हूँ। लेकिन उज़्मा बाजी जो है वो कहीं पर गई हुई हैं स्टोरी करने के लिए। तो जब मैं घर आई थी, मीरब थी और मुन्ना था, तो मैं ले कर कुछ नहीं आई। तो मैंने मुन्ने को बोला, मुन्ने डाला लेके आओ। मुन्ने को समझ नहीं आई थी कि डाला होता क्या है ना। असल में हमारे गुजरांवाला में ना डाला डाला कहते हैं कि भाई एक डाला दे दो ना, मतलब जैसे वो कहते हैं बैठो बैठो ले आ डाला। तो मैं उसको कह रही थी कि डाला लेके आओ ना, उसको समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे कहता है उसको, तो क्या कहते हैं उसको, मीरब उसको क्या कहते हैं उसको, तो पेट कहते हैं, कहता है जिसको आप डाला डाला कह रही हैं। मैं कहा भाई अब तुम लोग नए वाला पढ़ रहे हो, हम लोग पुराने वाला पढ़े हुए हैं, तो इतना फ़र्क तो भाई आ ही जाता है ना। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं आई यहाँ पे, या फिर मेरा कोई प्लान नहीं था, बस एकदम से मेरा प्लान बना। उज़्माबादी से मेरी बात हुई और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो खैर उज़्माबादी तो अभी नहीं है, तो मैंने मुन्ने को भेजा जी पेट, मतलब के डाला लेने। मुन्ना ले गया था, मैंने कहा एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी ले आओ, वो भी पीते हैं। तो अभी बस मुन्ना वो लेने के लिए गया है और उज़्माबाजी आती हैं तो फिर उनसे भी मुलाकात होती है। तो ये जी मैं उज़्माबाजी के घर पर बैठी हुई, सामने LED लगी हुई है और अभी मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ। तो अभी आपको और भी बहुत कुछ दिखाती हूँ, इसीलिए आप लोगों ने बने रहना है वीडियो को, आप लोगों ने फुल वॉच करना है, आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं जाना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो सब्सक्राइब किए, अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग उज़्माबाजी का कह रहे थे वेट, लेकिन उज़्माबाजी से मेरी बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उज़्माबाजी स्टोरी करने के लिए गई हुई थी और आपने वो जोकर वाली स्टोरी देखी और जो मैंने भी देखी थी, मुझे बहुत दुख हुआ, बल्कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ कि एक रोटी के लिए लोग बेचारे कितने मजबूर हैं और वो क्या कुछ करते हैं। सो अल्लाह ताला सबको रिज़्क़े हलाल दे, खुला दे अल्लाह ताला, तो सबकी अल्लाह ताला मदद करे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोर कोई नहीं हुए थे क्योंकि मुन्ने ने और जो है ना मीरब ने हमें फुल इंटरटेन किया हुआ था, बातें कर रहे थे, कभी हम ऊपर जा रहे थे, कभी हम नीचे आ रहे थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी और के घर में आई हुई हूँ। तो तकरीबन 5 घंटे मैं रही उज़्माबाजी की तरफ, मैं थी, मेरी फैमिली थी। तो उज़्माबाजी से खैर मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन यकीन करें कि मुझे वो स्टोरी देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों की मदद करने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन। मेरा भी, तुम क्या कह रही हो? मेरा वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, वो गिफ्ट करने लगी है अभी मुझे। लो मेरा, लो नहीं देना तुमने, तुमने भी लेना है, तुमने गाने लगाया छपा कॉपीराइट आई है। मीरब लाओ, मीरब ने उसमें इतना कैश जमा किया हुआ ना ATM में, बहुत ज़्यादा। मीरब लाओ, चेक तो करवाओ ना, इधर चेक तो करवाओ, दिखाओ तो सही। हाँ जी भाई, कोड जो है ना मीरब छुप के लगा रही है, लेकिन आपको अभी मीरब अपना कैश दिखाती है, मीरब ने कितना पैसा इकट्ठा किया हुआ है। मोहम्मद नहीं करो, लाओ। क्या बात, ओए होए होए होए, ये देखें मीरब का कैश, मीरब ने इतने ज़्यादा डॉलर इसमें जमा किए हुए हैं, लॉक भी नहीं। ये मुन्ने तुम ले लो, हड्डियाँ तुड़वा लेगा। ये ओ, ये तो मोहम्मद ने ले ली है, वाह, थैंक यू बोलो आपी को, थैंक यू, थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू तो बोल दो ना, है क्या वो आपी को, आपी को बोलो ना पहले, आपी को बोलो, बोलो बबल, बबल ये पैसे आप ही के हैं ना, तो आप ही को दे दो, चलो आप ही को दो जल्दी से, वो बड़े वाले भी, बड़े वाले इधर ले के आ रहे हैं। आपने क्या खाना है, ये आपने लेना है, चलो जी ये आप ले लो, ठीक है, चलो जी ये मोहम्मद का हो गया, ओके ठीक है। मीरब ने मोहम्मद को दे दिया, थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो ना, उमा भी कर दो, हैंडी वाला, हैंडी वाला ना, नहीं हंडी वाला, उधर उधर आप ही को, आप ही को, आप ही को, शर्मा गया। बच्चियां लगी हुई हैं गेम खेलने के लिए, ये मीरब हार रही है। मीरब तो मुन्ने से भी हारती हो ना,
मुन्ना सही कह रहा था एंड पे देखना होता है, एंड पे मेरा ब्रो ने लग जाती है ना, मेरा मेरे में से जीत के तो दिखाई पता चले जरा जीतो हां एक कोटी अगर आपकी मरती ना मेरी मरनी नहीं तो देखना मेरी ड्रिफ्ट कर जा रही है सीधी सीधी सारी मीरब तो वहाँ इतना तो पूरे लोग ने आ जाना क्या बोला था क्या बोला था देखा मर गई है मेरी कोई नहीं अच्छा यहाँ पे ना अभी भी उस्मा भाजी का वेट हो रहा है और यहाँ पे इतनी शदीद किस्म की गर्मी है ना और ये यहाँ पे ना मैं उस्मा भाजी के घर पर था थोड़ा सा शूट कर रही थी अपना स्लोमो का टिकटॉक के लिए तो मैंने कहा ज़रा वीडियो बना लूँ लेकिन हम लोग ऊपर आए हैं तीसरी मंजिल पर इतनी गर्मी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ और यहाँ पे मीरब भी है मोहम्मद भी है और मोहम्मद की और मीरब की ना लड़ाइयाँ हो रही हैं लड़ाइयाँ तो अब यहाँ से भी मैं नीचे जा रही हूँ हाय क्योंकि इंतज़ार करना बड़ा ही औखा काम है तो खैर कोई गल नहीं कभी कभी करना पड़ जाता है लेकिन ना सबसे औखा काम जो होता है ना औखा वो ये होता है कि आप किसी का वेट करें जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता पर कोई गल नहीं तो बस इसी तरह से टाइम पास हो रहा है वीडियो मैंने शुरू की हुई है ये देखें जी यहाँ पे मुन्ना हमारी खिदमत कर रहा मतलब कि हमारा नाश्ता मुन्ने वाह मेरा बहुत दिल कर रहा था इसके साथ आलूओं वाला सालन नहीं मिला ये पुड़ियाँ ये सैलड एंड ये हैं जी चने ये कहाँ से मिले हैं इस टाइम और ये सामने मोहम्मद और ये मीरा मीरा बाप ने नाश्ता किया था गर्मी बहुत है मेरे लाहौर में है ना मोहम्मद जाओ अपनी मामा को उठाओ नाश्ता कर लें मोहम्मद अपनी मामा को बोलो आगे नाश्ता कर लें कितना खूबसूरत बोलता है नाश्ता और क्या लेके आए हो वो बोतल तो तुमने बाहर रख दी थी तो उसको कहां पर फ्रिज में रखना था ठंडा करने के लिए चाबी वे सुती आ सीधे से मार दी सीधी अच्छा जी ये था हमारा स्पेशल नाश्ता जो कि उस्मा भाई के बेटे मुन्ने ने करवाया था और मैं मुन्ने से ऐसे कह रही थी मुन्ने यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट ओपन है क्योंकि हम लोग सुबह सुबह गए थे नाश्ता नहीं किया था तो मुन्ना जाके ले आया और कहता आप ही कि मैं नाश्ता ले आया हूँ तो नाश्ता मैंने किया और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने मुझे लगा था वो पुड़ियाँ लेकिन वो पुड़ियाँ नहीं थी वो थे भटूरे और मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब खाए थे बहुत अच्छे थे बहुत मज़ा आया खैर उस्मा भाई से मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन बच्चों ने हमें बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया और देखें बच्चों को इतनी सेंस थी कि बच्चे नाश्ता भी लेके आए सारा कुछ और अच्छे उन्होंने डील किया तो उस्मा भाजी से खैर मुलाकात नहीं इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी होगी और आपकी भी साथ में करवाऊंगी बस यही थी छोटी वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़